प्लेऑफ्स जो है दिलचस्प दिलचस्प होते जा रहे हैं, और आज फिर से ये यकीन हो गया कि ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक बैठता है। ऑन द डे जो टीम ठीक खेलेगी, अच्छा खेलेगी, वो जीतेगी। पास्ट परफॉर्मेंसेस काउंट नहीं होती हैं, और जलमी ने करके दिखा दिया, क्योंकि ऑन पेपर यूनाइटेड से ढीली टीम थी, बॉलिंग हल्की थी, मगर जज्बा बहुत ज्यादा था। और प्रेशर मैच में टॉस जीत के यूनाइटेड ने जो उनको पहले बैटिंग करा दी, मेरे ख्याल से पहली गलती तो यहां से शुरू हुई, इसलिए कि प्रेशर मैच में खासतौर पे कदाफी स्टेडियम में बैटिंग सेकंड रन चेजिंग मुश्किल मामला बना हुआ है, इसलिए कि विकेट जो है वो ऊपर नीचे खेलती है सेकंड टाइम अराउंड, और फिर परसेंटेजेस जो है वो स्क्वीज होती जाती है आपकी विनिंग परसेंटेजेस, क्योंकि प्रेशर है। सो जब प्रेशर होता है तो आपकी हाथ पांव स्टिफ हो जाते हैं, आप गलती करनी शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को सेकेंड गेस करना शुरू कर देते हैं, तो प्रेशर जो है वो आपसे कमाल की एक परफॉर्मेंस करवा सकता है एट टाइम्स, कभी अपने से बढ़ के और कभी अपने से बहुत नीचे। सो आज हमने देखा कि यूनाइटेड जो थे वो प्रेशर में लटक गए, और जलमी जो है वो जज्बे से खेले, पहले बैटिंग शानदार की, और ऑब्वियसली लेड बाय बाबर आजम, क्लासी हैं, फास्टेस्ट टू 9000 टीटी रन उनके नाम हुए, क्रिस गेल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। 183 बहुत रन थे, मैं समझता हूं कि फॉर अ प्लेऑफ बहुत ज्यादा रन खा लिए यूनाइटेड ने, और शादाब एक्सपेंसिव रहे इसलिए कि बाकियों ने तो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है, मगर वो जो चार ओवरों में 40 रन खा गए, हालांकि विकेट तो ली उन्होंने, मगर फिर भी मेरे ख्याल से थोड़े से रन वो इस प्रेशर मैच में, नोइंग के शादाब जो है प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, ज्यादा खा गए। इसके बाद जब रन चेस शुरू हुआ तो चीजें काबू में थी यूनाइटेड के, पहले 10 ओवर्स में करीबन ऑलमोस्ट 100 रन कर लिए थे उन्होंने, मगर उसके बाद जो लास्ट 10 ओवर्स थे उसमें जलमी ने शानदार वापसी की, और वापसी कैसे की, ग्रेट यॉर्कर लेंथ बॉलिंग की इरशाद ने और जमाल ने, बहुत ही आला ये इन्होंने टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, और अमूमी तौर के ऊपर लास्ट के ओवर्स वहाब रियाज से करवाते हैं, वहाब रियाज एक्सपेंसिव साबित हुए हैं इस पीएसएल में, सो वो एक क्रिटिकल मोमेंट था कैप्टनसी में बाबर आजम की, जहां पे उन्होंने इन दो यूथफुल ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो प्रेशर क्रिएट किया, कप्तानी बहुत अच्छी की, और फिर वो जो चेंजेस, और फिर ये कि एक कामनेस जो दिखाई बाबर ने, और मौके के ऊपर अच्छी चेंजेस, वो सब जो चीजें थी वो जलमी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। इन दो बॉलर्स ने बहुत ही आला बॉलिंग की, और ऑन द डे ऑन द नाइट जलमी टर्न आउट टू बी अ बेटर साइड। अब जो फाइनल है वो हो गया है सैटरडे को संडे के बजाय, सो अगर जलमी अब कल दोबारा खेलेंगे और फिर अगर कल का मैच जीत लेते हैं तो फिर फाइनल भी वो खेलेंगे, सो कंसेक्यूटिव तीन दिन तीन मैच खेलेंगे, थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी जलमी के साथ, बट एनीवे ये शानदार परफॉर्मेंस थी एंड रिचली डिजर्व करते हैं ये विन। अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरे हिसाब से मोहम्मद इरशाद। एक तो देखिए उनका स्लिंगिंग एक्शन है, स्लिंगिंग एक्शन में क्या होता है कि कहीं आप रिदम में नहीं होते हैं तो कभी आप गेंद, अगर आपकी रिस्ट ब्रेक हो जाए गेंद पहले भी छोड़ सकते हैं, आपकी डायरेक्शन भी ठीक नहीं होती है, नहीं हो सकती है, और प्रेशर में यॉर्कर करना, जड़ में गेंद करना विकेटों की, वो एक लाजवाब एक स्पेल दिखा इरशाद की तरफ से, इसलिए कि प्रेशर में यॉर्कर अगर 6-8 इंच ऊपर नीचे हो जाए तो फुल टॉस हो जाती है या लेग बॉल बन जाता है, और आपको फिर चौका या छक्का पड़ सकता है, प्रेशर आप पे आ सकता है, मगर उन्होंने प्रेशर में शानदार यॉर्कर लेग बॉलिंग की है, और इस बॉलिंग एक्शन के साथ कमाल कंट्रोल दिखाया है। स्पीड भी अच्छी है उनकी, कुछ स्लिंगिंग एक्शन के खासे बॉलर्स जो हैं इस पीएसएल में हमें देखे हैं, जमान ऑलरेडी पाकिस्तान की स्क्वाड में आ गए हैं अफगानिस्तान के लिए, उनका भी ऐसा स्लिंगिंग एक्शन है। इरशाद भी बुरी ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहां से जब गेंद ये रिवर्स करते हैं तो वो भी एक डिफरेंट एंगल और डिफिकल्ट एंगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गेंद अगर आउटस्विंग करते हैं तो एक बहुत ही ऑप्टिकली मुश्किल एंगल हो जाता है बैट्समैन के लिए, और फिर यहीं से स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस भी करना है, स्लोअर बाउंसर भी करते हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और जमाल के साथ मिलके इन दोनों का बड़ा वो लीथल कॉम्बिनेशन था। इनफैक्ट वो जो इन्होंने स्पेल कर दिया चार ओवर्स का, दो इनके और दो जमाल के, उसी वजह से ऑपोजिशन जो है वो उस पर लर्जा सतारी हो गया, और वो रन चेस जो है वो जो एक
उसमें स्मूथ सेलिंग चल रही थी पहले 10 ओवर्स में, वो लड़खड़ाई और फिर फॉल्टर कर गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो बूम बूम प्ले ऑफ द डे मोहम्मद इरशाद।